हेलो गाइस, तो आज हमने मुंबई में चेंबूर 1 BHK प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जहां हमने सोफा सेट, टीवी यूनिट, बेडरूम सेट, सेंटर टेबल, मंदिर यूनिट, ये सब काम करके दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या क्या काम कंप्लीट किया है और हमारे डिजाइन क्या क्या है, हमारी क्वालिटी क्या क्या है। आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये सोफा सेट बना के दिया है, जो पूरा टीकवुड में बनाया है और इसका जो फॉर्म है, सीटिंग फॉर्म, ये पूरा हाई डेंसिटी में बनाया गया है, जिसकी लाइफ 10 से 15 साल होती है। ये लुक वाइज भी काफी रिच है, लग्जरियस है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक सेंटर टेबल भी दिया है, जो कि मेटल बेस है, एसएस और ऊपर मार्बल टॉप है। इसके बाद गाइस, ये सोफा सेट कंप्लीट होता है, वो हम आते हैं, हमने यहाँ पे एक टीवी यूनिट बना के दिया है, जो कि पूरा प्लाईवुड में है, कमर्शियल हार्डवुड प्लाई में। उसके बाद हमने ये जो स्ट्रिप लाइन्स आपको दिख रही है, चारकोल पट्टी है, ये चारकोल पट्टी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें हमने यहाँ पे ऊपर स्पॉटलाइट के लिए कुछ बॉक्स काट के रखे हैं, जहाँ स्पॉटलाइट आएगी, कनेक्शन देना बाकी है। इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर यूनिट भी बनाया है हमने, ये मंदिर का कैबिनेट है, ये भी कमर्शियल हार्डवुड प्लाई में, ये ट्रे है, पूजा का ट्रे, ये भी पूरा कमर्शियल हार्डवुड प्लाई में बना हुआ है। ये स्टोरेज है। तो इसके बाद हमने गाइस यहाँ पे एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बनाया है, जो कि यहाँ पे है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 6 सीटर फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, जहाँ पे हमने 4 चेयर्स और एक बेंच बनाया है 2 सीटर, जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। ये टेबल काफी इजी टू यूज है और स्पेस सेविंग फर्नीचर हो जाता है, ये बहुत इजी है। आपको यहाँ पे लॉक आता है व्हील में, अगर आप ये लॉक हटा दोगे तो आपको, आप इसको इजीली मूव भी कर सकते हो, ये इजीली मूव हो जाता है, आप एक साइड में रख सकते हो इसे। तो गाइस, ये बेडरूम में हमने बनाया है एक क्वीन साइज का बेड और एक साइड टेबल और एक ड्रेसिंग टेबल और एक वार्डरोब भी है, जो मेटल में है। आइए पहले मैं आपको बेड दिखाता हूँ। इसकी हेडबोर्ड की हाइट 5 फीट है और ये फुल हाइड्रोलिक बेड है, पूरा प्लाईवुड में बना हुआ है, 150 kg का इसका प्रेशर है हाइड्रोलिक का। आप स्टोरेज देख सकते हो, 14 इंचेस हाइट है स्टोरेज की और ये काफी इजी टू यूज है। इसके बाद हमने एक साइड टेबल बनाया है, ये भी पूरा अटलाइनमेंट प्लाई में बना हुआ है, इसके ऊपर हमने चारकोल स्ट्रिप यूज किया है और ये दो ड्रॉअर्स बने हैं यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल बनाया है विद कॉफी, ये विद स्टोरेज आता है, ये भी सेम हमने पूरा प्लाईवुड में बनाया है, 1 mm थिकनेस लैमिनेट यूज किया है इस पे। और इसके जो आपने साइड देख रहे हैं, ये प्रोफाइल, ये चारकोल से बनाई हुई है, चारकोल स्ट्रिप, और अंदर हमने स्टोरेज बनाया हुआ है, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऊपर के साइड एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है और नीचे आपको एक कॉफी आता है फॉर सीटिंग, ऐसे भी आप अगर मेकअप करते हो और आराम से बैठ के मेकअप कर सकते हो। और इस कॉफी में भी हमने स्टोरेज दिया है, उसके बाद हमने एक मेटल का वार्डरोब बनाया है यहाँ पे, इसकी हाइट है 8.5 फीट, ये देखिए, आप अंदर के सेक्शन भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें गोदरेज के लॉक यूज किए गए हैं, जो काफी हैवी क्वालिटी भी होते हैं। तो इसकी जगह आपको यहाँ पे मिरर भी रिक्वायरमेंट है, आपको एक साइड मिरर चाहिए तो वैसा भी बना के मिल जाएगा। तो ये हमारे बेडरूम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, आइए हम आपको आगे दिखा दे। यहाँ पे हमने एक बनाया है स्टोरेज यूनिट, आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक स्टोरेज यूनिट है, इसको भी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी पूरा प्लाईवुड में बना हुआ है, 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे और इसकी लाइफ 30-40 ईयर्स इसी की होती है। आइए अभी मैं आपको डाइनिंग चेयर दिखाता हूँ।